छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने राहगीरों और पांच आरोपियों से लूटपाट कराने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं लूटपाट करने वाले आरोपियों की चाबी बरामद की गई है। आपको बता दें, रितेश अग्रवाल अपने पूरे परिवार के साथ कोरबा से सुरत की ओर जा रहे थे, तभी कार में सवार पांच लोगों ने गाड़ी रुकवा कर परिवार वालों से सोने चांदी और पर्स में रखे हुए पैसे लूट लिए, जिसकी शिकायत रितेश अग्रवाल ने पुलिस थाना नगरदा में की, जिस पर पुलिस अधीक्षक एम आर आहिरे ने घटना को गंभीरता से लेते हुए शक्ति कोरबा मार्ग स्थित सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके आधार पर बोतलदा निवासी सुरेश पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सुरेश पटेल ने बताया, उसने अपने चार साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पाँच तारीख की घटना है। शक्ति के रितेश अग्रवाल और उनके परिवार के कुछ लोग कोरबा से वापस आ रहे थे और दमोह के आगे बरपालिकला मेन रोड में जो है बोतलदा के पांच पटेल आपसी परिवार के लोग नशे की हालत में उनकी गाड़ियों को रोक कर उनके साथ मारपीट किए और उनके पास जो पैसे थे, गहने थे, उसका लूटपाट किए। सीसीटीवी वगैरह का चेक करने के बाद वो गाड़ी जो इस्तेमाल किए थे डस्टर, उसकी पहचान की गई और उस पहचान के आधार पर पांचों आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है।